जुलाना के किनाना गांव में शादी की खुशियों में अचानक रुकावट आ गई। सुबह से जब शादी की खुशियां मना रहे थे, बारात भी सही समय पर पहुंची थी, लेकिन अचानक पुलिस ने आकर सारा माहौल बदल दिया। पुलिस को कंट्रोल रूम में गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है और उसकी उम्र कम है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के परिजनों से बात की। वह लड़के और लड़की की उम्र के सबूत मांगे, जिसमें लड़की की उम्र 16 साल 5 माह मिली, तो परिजनों को शादी रोकने को कहा गया, जिस पर दोनों परिजनों ने अपनी सहमति दी। गौरतलब है कि लड़का पक्ष बड़े अरमानों से अपने लिए दुल्हन लेने हिसार जिले के किनाना गांव पहुंचा था, लेकिन लड़की की उम्र कम होने से पुलिस के दखल देने के कारण सारे अरमान धरे रह गए। जींद के सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान का कहना है कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव किनाना में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है और बारात भी आ चुकी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वे मौके पर पहुंचे और दूल्हे और दुल्हन की उम्र के कागजात देखे, जिसमें दूल्हा बालिग है और दुल्हन की उम्र 16 साल 5 माह मिली और शादी को रुकवा दिया गया। वह दोनों परिवारों ने लिखते में दिया है कि वे बालिग होने पर ही शादी करेंगे, यदि वे बाद में फिर भी शादी करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, अभी शादी रोक दी गई है। हमारे पास एक पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एक नाबालिग लड़की की सूचना की शादी प्राप्त हुई थी किनाना गांव में जी। तो उसके बाद हम मौके पर पहुंचे, इसके कागजात की जांच की, तो लड़की की उम्र 16.5 वर्ष मिली और लड़की की उम्र 25 वर्ष। तो क्या कार्रवाई रही? दोनों पक्षों के लिखित बयान दर्ज करवाए गए हैं और इनकी शादी को स्थगित करवा दिया गया है। अभी अगर ये शादी करते हैं तो इनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें 2 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान। कितनी एज बताई गई लड़की की? लड़की की उम्र उसके कागजात के अनुसार 16.5 वर्ष और वो 10वीं कक्षा तक पढ़ेगी। जुलाना से जाट टीवी न्यूज के लिए विजेंद्र बाबा की रिपोर्ट।